नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रटलो की अगली सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। करंट अफेयर्स में वर्ष भर की समसामयिकी लिए हुए ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए आयोजित की जा रही है, जो प्रदेश और देश में होने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपके प्रदेश में होने वाली पीसीएस की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए यह सीरीज अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने जा रही हैं, उन सबके लिए भी यह श्रृंखला उपयोगी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चौथी श्रृंखला पर हम लोग पहुंच चुके हैं। पिछले 12 या 11 महीने की समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से मैं आपके समक्ष लेके आता हूं। आज चौथा क्रम है। आइए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहां पर, हाल ही में चर्चा में रही सना मरीन निम्न में से किस देश से संबंधित है? आप लोग उत्तर करें पहले। सब लोग देखिए, अभी आपने पिछले 2-3 दिन के पेपर में इनका नाम जो है बहुत तेजी से पढ़ा है, सना मरीन, है ना। ये फिनलैंड से संबंधित महिला है, फिनलैंड से संबंधित है और ये 34 वर्षीय युवा है। फिनलैंड का भी नाम आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। देखिए मैं रिवाइज करा दूं आपको। जब हम लोगों ने विश्व प्रसन्नता सूचकांक पढ़ा था तो हम लोगों ने फिनलैंड का नाम पढ़ा था, क्योंकि फिनलैंड का यहाँ पे प्रथम स्थान है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में, और सूडान सबसे दुखी देश है, उसका अंतिम स्थान है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। यहां पर फिनलैंड को हम दूसरे प्रायोजन में पढ़ रहे हैं। हाल ही में चर्चा में नहीं जो सना मरीन साहब है, सना मरीन जी है, वो 34 वर्षीय युवा महिला है और वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ना केवल फिनलैंड की बल्कि पूरे विश्व की वो सबसे युवा प्रधानमंत्री है। केवल वो 34 वर्ष की है, डेमोक्रेटिक पार्टी की है और वो युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है। इस विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है और फिनलैंड देश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? फिनलैंड हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसको हम लोग कहते हैं EWS, अगर आपसे कभी भी EWS भी पूछा जाए तो इसका मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS। 10% आरक्षण के कारण ये चर्चा में। अब आप प्रश्न को पढ़िए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? क्लियर? चलिए तो आप इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से और इस लैंग्वेज में कर सकते हैं कि जब हमने 10% आरक्षण दिया तो किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ा या किन किन अनुच्छेदों में ये प्रभावी रहा, है ना, किन किन अनुच्छेदों पर प्रभावी रहा। तो आप बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 15 और 16, है ना। क्या होगा? अनुच्छेद 15 और 16 आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम सभी लोगों को मालूम है और आपको भी ये बात मालूम है कि 103वां संशोधन अधिनियम ये बन गया है, 103वां संशोधन अधिनियम बन गया है और 124वां ये संशोधन विधेयक था जो 8 जून 2019 को लाया गया था। 8 जून 2019 को लाया गया था, 124वां संशोधन विधेयक था और 103वां संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, तो 103वां संशोधन अधिनियम और 124वां संशोधन विधेयक था। इसका सही उत्तर होगा 15 और 16। आइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारथी संदेश वाहिनी वाहनों की शुरुआत किस विषय पर जागरूकता विस्तार के लिए की गई? यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी आज मैंने डाले हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सारथी संदेश वाहिनी वाहनों की शुरुआत किस विषय पर जागरूकता के लिए की गई? तो आप बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? परिवार नियोजन। यह एक वाहन है जो जगह जगह पर जाएगा, डॉक्यूमेंट्री, प्रदर्शनी चित्रों और नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी जो है योजना है परिवार नियोजन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय NPU, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है? बताइए आपका सही उत्तर इसका क्या होगा? पहला है मुरादाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। तो सही उत्तर आपका इसका होगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है, जो लगभग 2024 तक बन के लिए तैयार हो जाएगा और इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। आइए पांचवा प्रश्न। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का शुभारंभ कहां किया गया? बताइए,
प्रश्न फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं आपका, क्या लिखा है बताइए। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नए दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का आयोजन कहां किया गया, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, ग्रेटर नोएडा, है ना, क्या होगा, ग्रेटर नोएडा। वैसे ये दोनों विकल्प आपको कभी मिलेंगे नहीं, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इस विकल्प को आप काट लीजिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अलग अलग नहीं है। यहां पर मान लीजिए हम अगर लखनऊ लिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करता हूं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्रेटर नोएडा, है ना। छठवां प्रश्न है आपका, फरवरी 2019 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 का आकार क्या है, कुछ यूपी स्पेशल के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, बताइए कितना आकार होगा यूपी बजट का। यहां पे आप लोगों ने सब करंट को पढ़ा होगा बजट से संबंधित, बताए तो इसका सही उत्तर होगा 4,79,701 करोड़ रुपया, है ना, क्लियर। जो पिछले बार के उत्तर प्रदेश के बजट से अगर प्रस्तुत में पूछा जाए तो 12% अधिक, जो पिछले बार के बजट से कितना अधिक है, 12% अधिक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण में, हाँ, प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, किस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, बताइए आप लोग उत्तर करें, बताएं इसका सही उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, सी आंसर इसका सही होगा, हाँ, भू स्थिति के उपग्रह प्रक्षेपण, ये आपका उत्तर बिल्कुल इसका क्या है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, क्लियर है। आइए GSLV M के ट्रिपल M पर, ये आपका सही उत्तर है। हम सभी जानते हैं कि 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का जो है क्या किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था, जिसका सही उत्तर आपका क्या होगा, सी होगा। आठवां प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रारंभ प्रकाश पोर्टल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, तो सबसे पहले देखिए दो प्रश्न है यहां पे, प्रकाश पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है बताइए, फिर मैं इसका दूसरा प्रश्न भी आपको समझाता हूं, पहले आप जो है चारों विकल्प पढ़ें और बताएं। देखिए प्रकाश पोर्टल को NTPC द्वारा बनाया गया है या NTPC द्वारा ये निर्मित है, क्लियर है, और इसका सही उत्तर होगा आपका ए, कोयला की खदानों, कोयला खदानों से सीधे संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति की निगरानी के लिए, है ना, कोयला आपूर्ति की, कोयला की खदानों में जो निगरानी है उस निगरानी के लिए प्रकाश पोर्टल का उपयोग किया गया है और ये NTPC द्वारा बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है, तो कोयला आपूर्ति की निगरानी से संबंधित है। आइए नौवा प्रश्न है आपका, 1 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का पहले मुख्यालय समझ लीजिए गुरुग्राम हरियाणा में है ना, जैसे मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में, है ना। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, क्लियर, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी 2015 में, बहुत पुराना नहीं है, 2015 में इसकी शुरुआत की थी, और वर्तमान में दो नए देश जुड़ने के बाद सदस्य देशों की कुल संख्या वर्तमान में 83 हो गई है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, 83, क्लियर, 83 इसका सही उत्तर होगा। आइए दसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में हरित पटाखे लॉन्च किए, इन्हें किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है, दिल्ली में आपने देखा था कि दिल्ली में इस बार बहुत ज्यादा, पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त था, जीबी ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सख्त था, तो हरित पटाखे लॉन्च किए गए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा में आपने देखा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर इस बार विजुअलिटी काफी कम हो गई थी, जिससे बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए हरित पटाखे लॉन्च किए गए हैं, तो आपको बताना था कि इन्हें किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। तो इसको जो विकसित किया गया था वो CSIR द्वारा विकसित किया गया था, क्लियर है, CSIR की स्थापना 1992 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय दिल्ली में था, दिल्ली में, है ना, इसका मुख्यालय जो है वो कहां पे है, दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा। CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पे है, दिल्ली में है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला या वाली पहली क्रिकेटर कौन बना या बनी, चलिए मैं करेक्ट करता हूं,
प्लेयर खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना, है ना? तो पहले भारतीय क्रिकेटर किसी भी फॉर्मेट में बनी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय क्रिकेटर बनी जिन्होंने 100 मैच खेले, है ना? कितने मैच खेले? 100 मैच। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अपना 100वां मैच खेला था, 100वां मैच खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। आइए, बड़ी उपलब्धि है महिला क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए, पूर्व ही क्या है, कल्चरल करंट है आपका ये, चलिए बताइए जल्दी से, पूर्व ही क्या है बताए। चलिए, पूर्व ही, हाँ जल्दी से बताएं, आपने अभी खूब अच्छे से पढ़ा है। देखिए, आकाशगंगा में स्थित जो है एक ब्लैक होल है जिसकी पहली बार तस्वीर ली गई है ना, और प्रोफेसर लैरी कुमरा, प्रोफेसर लैरी कुमरा ने इसकी खोज की है और इसकी तस्वीर को लिया है। यह ब्लैक होल जिसकी पहली बार तस्वीर ली गई है इसको क्या कहा गया है? पूर्व ही कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व ही कहा गया है। चलिए, साइंस एंड टेक से संबंधित आपका एक करंट है। आइए, 13वां, BS6 मानक भारत में कब लागू होंगे बताइए। BS6 मानक भारत में 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिए जाएंगे, है ना? तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2020 में तारीख भी बता रहा हूं। BS4 अभी चल रहा है और BS6 मानक आपके 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिए जाएंगे। आइए, 14वें प्रश्न पे चलते हैं। ई विजिल ऐप रिपोर्ट करता है, है ना? चलिए, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं जब मैंने क्लास में आप लोगों को ऐप पोर्टल और क्रांति की क्लास दी थी, तो वहां पे मैंने आपको ई विजिल ऐप के बारे में बताया था। बताइए, ई विजिल ऐप रिपोर्ट करता है, क्या रिपोर्ट करता है? आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। देखिए, ये चुनाव आयोग का एक ऐप है ना, निर्वाचन आयोग का ये ऐप है, और निर्वाचन में पारदर्शिता बरतने के लिए, है ना, निर्वाचन सुगमता पूर्वक संपन्न हो, निर्वाचन में कोई भी बेईमानी हो, चीटिंग ना हो, कदाचार ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग का जो ऐप है उसको हम क्या कहें? ई विजिल ऐप हम लोगों ने कहा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, 28वां सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे दिया गया, है ना? तो बताइए, 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। किसको दिया गया? के शिवा रेड्डी को यहां पे 28वां सरस्वती सम्मान आपका दिया गया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। आइए, 16वां, 2019 का नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? 2019 का नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है बताइए। तो आपका ऑप्शन होगा UNCCD। चलिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। UNCCD क्या है, तो आप उसके बारे में समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। हाँ, तो इसका सही नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इसका सही नाम है, और UNCCD से संबंधित है 2019 का नई दिल्ली घोषणा पत्र। आइए, 17वां, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहां पे वैश्विक सौर पार्क का उद्घाटन किया गया? अभी उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इसको किया था और हम लोग ये चर्चा में भी रहा था, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। क्या उत्तर होगा आपका? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा वैश्विक सौर पार्क का उद्घाटन किया गया। आज मेरी गति थोड़ी सी मैं ज्यादा रखा हूं ताकि आप कम समय में ज्यादा पढ़ सकें। हाल ही में चाबहार बंदरगाह समाचार में सर्चित था। चाबहार दक्षिण पूर्व ईरान के मकरान तट पर अवस्थित है, यह बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है बताइए। हाँ, यह बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है बताइए। 18वें सवाल का उत्तर आपका क्या होगा? ओमान की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है यह बंदरगाह? ओमान की खाड़ी में स्थित है। अब मैं इस बंदरगाह के बारे में आपको और सूचना देता हूं। क्लियर, देखिए, यह जो बंदरगाह है ईरान का जो सबसे दक्षिणी शहर है, ईरान का जो सबसे दक्षिणी शहर है वो शहर है चाबहार। क्लियर, इस बंदरगाह से क्या फायदा होगा हमको, ये भी आप समझ लीजिए। इस बंदरगाह से जो हमको लाभ है,
समुद्री मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का हमारा जो रास्ता है वो आसान हो गया। समुद्री मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का जो रास्ता है हमारा वो क्या हो गया, आसान हो गया इस बंदरगाह के खुल जाने से। और इस बंदरगाह की एक विशेषता और भी है कि हम जो है सड़क मार्ग से भी जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू करने का प्रस्ताव है, बताइए। प्रस्ताव किया गया है कलकत्ता, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, कलकत्ता होगा। किस स्थान पर शुरू करने का प्रस्ताव है तो आपका सही उत्तर क्या होगा, कलकत्ता। कहां पर, हुगली नदी के नीचे, है ना, कहां पर, हुगली नदी में नीचे इसका प्लान है, क्लियर, हुगली नदी में कलकत्ता। 20वां प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो निष्ठा जो कार्यक्रम है नवीन सोच को प्रेरित करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना, शिक्षकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा, जो नवीन सोच और नई तकनीकों को प्रेरित करता है। आइए 21वां प्रश्न, अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने गुजरात में कहा वाणिज्यिक हवाई अड्डा विकसित करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दी। देखिए, जो स्थान पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना, और जहां से पर्यावरणीय गतिविधियों को काफी नुकसान हो, वहां की पर्यावरणीय जो अनुमतियां होती हैं वो काफी कठिन होती है, और यहां पर गुजरात सरकार ने कच्छ में एक नया सामरिक महत्व को देखते हुए कच्छ में एक नया वाणिज्यिक हवाई अड्डा, क्योंकि वाणिज्यिक तो हम कह रहे हैं लेकिन इसका सामरिक महत्व भी बहुत है, कच्छ में जो है विकसित करने हेतु कहां पे जो है पर्यावरणीय मंजूरी दी है। आइए कच्छ इसका सही उत्तर होगा। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए लिखा है सही कथन का चुनाव करिए, बिल्कुल कर लेंगे, सब लोग समझदार हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या है बताइए, पहला क्या है बताइए, लिखा है नवंबर 2019 में भारत में आकस्मिक मृत्यु आत्महत्या नामक रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ना, तो थोड़ा सा देखिए इसको सही करिए, नवंबर में नहीं, ये अक्टूबर में जारी की गई थी, कब जारी की गई थी, नवंबर में नहीं जारी की गई थी, ये अक्टूबर में जारी की गई थी, क्लियर। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये गलत दिया गया है, इसको यहाँ पे अक्टूबर होना चाहिए। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाओं के मामले महाराष्ट्र में, के मामले महाराष्ट्र में शीर्ष पर है, सही है ना, तो केवल बी सही है, बी ऑप्शन आपका सही है ना, अगर यहाँ पे अक्टूबर लिखा होता तो ए और बी दोनों सही हो जाते। प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है और गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले कहां पे हैं बताइए, महाराष्ट्र में, क्लियर है। आइए 1967 से ये रिपोर्ट जारी हो रही है लगातार और यह इस रिपोर्ट का 50वां संस्करण है, इस रिपोर्ट का 50वां संस्करण है। आइए 23वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई, बताइए। राष्ट्रीय एकता के लिए हम सभी जानते हैं सरदार पटेल, है ना, चलो सरदार पटेल। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग पेन डाउन करते चले, क्लियर। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, है ना, हाँ क्लियर। तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर पर हम जो है एकता दिवस और यूनिटी डे उस दिन काफी जो है वो करते हैं, तो यहां पर एक नई चीज जो है एकता पुरस्कार की भी घोषणा की जाएगी। आइए 24वां प्रश्न, 10 दिसंबर 2019 को 8वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, चलिए बहुत दिन बाद आप लोगों ने गोलमेज का नाम सुना है, तो इसका सही उत्तर होगा आबू धाबी, है ना, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए, आबू धाबी होगा, है ना। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्लियर। सुरक्षित किफायती एवं टिकाऊ ऊर्जा सेवाओं के लिए समावेशी पहुंच को आगे बढ़ाने पर आयोजित सत्र को संबोधित किया गया, देखिए ये जो है कहां आयोजित हुआ, आबू धाबी में, उसका प्रमुख जो विषय था वो क्या था,
सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा सेवाओं के लिए समावेशी पहुंच। सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा जरूरतों के लिए समावेशी पहुंच, इसका क्या था मुख्य उद्देश्य था। आइए 25वां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस तिथि तक डिजिटल पेमेंट प्रणाली फास्टैग, देखिए फास्टैग आप लोग खूब सुन रहे हैं, अगर आपके पास फोर व्हीलर है और नेशनल हाईवे पे आप यात्रा करते हैं तो जो NHAI का टोल होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टोल होगा, वहां पर फास्टैग के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पहले इसकी अनिवार्य समय सीमा 1 दिसंबर थी, लेकिन वर्तमान में समय में सरकार ने समय सीमा को बढ़ा के 15 दिसंबर कर दिया है। तो शुरुआती जो समय सीमा थी वो 1 दिसंबर थी, लेकिन चूंकि प्रश्न हम लोग आज हल कर रहे हैं इसलिए अब इसकी जो समय सीमा बढ़ा के क्या कर दी गई, 15 दिसंबर कर दी गई है। 15 दिसंबर के बाद अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आपको टोल पर दुगना पेमेंट देना होगा। फास्टैग एक डिजिटल क्या है, डिजिटल एक सिंबल है जो सीधे जब आप टोल से पास होंगे तो स्कैनर से आपके अकाउंट से आपके पेमेंट को डिडक्ट करेगा। और इससे क्या होगा कि जो 2 से 3 मिनट औसतन समय लगता है उसमें प्रदूषण भी कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। तो सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है और 15 दिसंबर से इस योजना को अनिवार्य कर दिया गया है। आइए 26वां, जुलाई 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2018 तक ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य शीर्ष पर थे, बताइए। हाँ तो इसका सही उत्तर है आपका छत्तीसगढ़। सही उत्तर क्या है, छत्तीसगढ़। क्लियर, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में जो क्या है, छत्तीसगढ़ आपके शीर्ष पर है। आइए 27वां प्रश्न, 5 अगस्त 2019 को राजस्थान विधानसभा में ऑनर किलिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। पहला है, इसमें केवल उम्र कैद की एवं 50 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान है, पहला वाला गलत है ना, पैसे का जुर्माना नहीं है। दूसरा, इसमें आजीवन कारावास अथवा उम्र कैद की सजा का प्रावधान ही सही है। क्लियर, तो इसमें केवल 2 सही है आपका। एक बात और यहां पर विशेष है, इसको भी ध्यान रखिए, राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वायत्तता और स्पष्टता, इस विधेयक का नाम दिया गया है क्या, राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वायत्तता और स्पष्टता। क्लियर, ये इसका क्या है, नाम दिया गया है जिसको इसमें शामिल किया गया था। आइए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पर ऐतिहासिक फैसले लिए गए, हम सब जानते हैं, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल। पहला, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद खंड 1 के अलावा सभी खंडों को समाप्त किया गया है। क्लियर, चलिए बताइए, तो ये पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, अनुच्छेद 370 के कारण राज्य में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अलावा केंद्र के अन्य कानून लागू नहीं होते, ये क्या है, दूसरा गलत है। क्लियर, तो बताइए कौन सा सही है, केवल 1 में सही हो जाएगा। आइए 29वां, 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विधेयक मोटरयान अधिनियम 1988 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, सही है। दूसरा, विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल सही है। तीसरा, विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा मोटर दुर्घटना कोष बनाने का प्रस्ताव दिया गया, तीनों सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर है, आइए उपर्युक्त सभी। 8 से 9 अगस्त 2019 को ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, बताइए। 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा शिलोंग। कहां पर आयोजित किया गया, शिलोंग। क्लियर है, शिलोंग इसका सही उत्तर है। आइए 31वां प्रश्न है आपका, चलिए ये पुस्तक है, बार बार बताता रहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मंगवा ली है, पहले वीडियो में इसको मंगवाने की मैंने तरकीब आपको बताई थी। 31वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पावर ऑफ साइबेरिया क्या है,
अनावश्यक प्रमोशन सही नहीं है। आइए हाल ही में चर्चा में रहा पावर ऑफ साइबेरिया क्या है, तो बताइए पावर ऑफ साइबेरिया क्या है। तो रूस और चीन के बीच जो पहली सीमा पार गैस पाइपलाइन है उसका नाम है ना, रूस और चीन के बीच जो पहली सीमा पार गैस पाइपलाइन है उसका नाम क्या है बताइए, पावर ऑफ साइबेरिया। क्या है? पावर ऑफ साइबेरिया। आइए 32वां प्रश्न, हाल ही में किस रिपोर्ट में भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारक माना गया है बताइए। देखिए एक संस्था है, इस संस्था के बारे में आप जान लीजिए, और ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है, लैंसेट काउंटडाउन है ना, लैंसेट काउंटडाउन इसका सही उत्तर होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए लैंसेट काउंटडाउन की रिपोर्ट के में भारतीय बच्चों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना गया है ना, प्रमुख कारण माना गया है। क्लियर? हाँ। 33वां, 14 मई 2019 को किस शहर में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई बताइए। ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको हल करा चुका हूं, मेक्सिको सिटी इसका सही उत्तर होगा है ना। कल हम लोगों ने अल सलवाडोर मध्य अमेरिका के देश के बारे में भी चर्चा की थी, मेक्सिको सिटी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? हाँ। सड़क, देखिए इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, सड़क पर वाहनों के संचालन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया था 14 मई को। इस शहर में वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण है ना, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों को जो है यहां पर चलने के लिए अनुमति नहीं थी उस दिन 14 मई को, और फुटबॉल का एक प्रसिद्ध मैच वहां पर आयोजित होना था और वो मैच भी वहां पर स्थगित कर दिया गया था। एक जो है बड़ा, आप जानते हैं कि इन देशों में फुटबॉल का बड़ा क्रेज है और बहुत सारे जो है स्टेडियम फुल थे, लेकिन फुटबॉल के उस महत्वपूर्ण मैच को भी क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो ये जलवायु, पर्यावरणीय जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई थी मेक्सिको सिटी के द्वारा। आइए 34 मई 34, हाँ, मई 2019 में श्रीलंका सरकार ने ईस्टर पर हुए आतंकवादी हमले में शामिल 3 चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया, विकल्प में से कौन सा चरमपंथी समूह इसमें शामिल नहीं है, दो प्रश्न आपके इससे तैयार होंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, डी उत्तर आपका सही होगा, ये शामिल नहीं है, नेशनल तौहीद मिल्लत शामिल नहीं है, इन तीन को दोषी माना गया और ये तीनों जो है क्या थे, शामिल थे। एक जघन्य जो है घटना हुई थी उसमें ईस्टर पे, आप लोग मालूम है, तो इन तीनों को क्या किया गया जो है, प्रतिबंधित कर दिया गया। 35वां, IIF के विषय में कौन से कथन सत्य है बोलिए, चलिए पढ़िए, लिखा है यहां पे, नवंबर 2019 से इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन को वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन से नाम से जाना जाएगा, सही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं, ये भी सही है। IIF की स्थापना 1912 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक के रूप में हुई थी, जिसका नाम वर्ष 2001 में बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया था। अब 2001 के बाद फिर बदला गया है और अब क्या कर दिया गया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष लोमन दियाग थे, चौथा वाला कूट गलत है, इसके पहले अध्यक्ष लोमन दियाग नहीं थे, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो सिगफ्रीड एडस्टोम थे, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सिगफ्रीड एडस्टोम थे, एडस्टोम थे। क्लियर? तो चौथा गलत है, तो 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए 36वां प्रश्न, 21 मार्च 2019 को संपन्न विशेष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विश्व खेल, मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर करिए, आबू धाबी है ना, आबू धाबी में इसकी मेजबानी हुई थी। आइए 37वां प्रश्न, वर्ष 2022 तक भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के एक हिस्से के रूप में हाल ही में एक गाने का शुभारंभ किया गया, हाँ, उस गाने का नाम क्या था बताइए, हाँ, इस गाने का नाम था प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया है ना, और इसको कई भाषाओं में रिलीज किया गया है आपको, इसका जो है कितनी भाषाओं में जो है, हाँ, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ में किया गया है। क्लियर है? हाँ। आइए आइए 38वां,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है यहाँ पे। चलिए मैं सिक्के के बारे में आपको बता दूं, इसके आगे के भाग में अशोक स्तंभ है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। इसके आगे के भाग में अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। 25 दिसंबर को हम सभी लोग जानते हैं, जिस दिन जो है आपका क्रिसमस होता है, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है क्या है, जयंती है। और उसी दिन वो जो है, हाँ, इनका जन्म जो है, वाजपेयी जी का जन्म, जन्मदिन है सॉरी इनका, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और इस दिन इनकी इनका बर्थडे है और इसी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का जो है जारी किया। 20 अक्टूबर 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक ब्रिजिटल, मैंने कुछ प्रमुख पुस्तकों को यहाँ पे शामिल किया है, ध्यान दीजिएगा। 20 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक ब्रिजिटल नेशन का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए? एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम की रचना है। देखिए इन पुस्तकों को आप याद रखिएगा, है ना। और जिनका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया है पिछले 2 बार से वो पूछी जा रही है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम, आइए सही उत्तर है। 40वां पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है बताइए? ममता मल्होत्रा जी ने लिखी है। इसका विमोचन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने किया। इसका विमोचन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने किया। और जयप्रकाश बिहार के एक अग्रणीय नेता रहे हैं, है ना, और जो है जीवन दर्शन पर आधारित है। उनके जो जेपी जिनको हम लोग कहते हैं, जयप्रकाश जी के जीवन दर्शन पर पुस्तक आधारित है। आइए पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन है बताइए? बीइंग गांधी के लेखक कौन है, उत्तर करें आप लोग। देखिए 21 सितंबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए ये पुस्तक जो है आपकी विमोचित की गई थी और इसकी जो लेखक है वो पारो आनंद। इसकी जो लेखक है वो कौन है? पारो आनंद जी। 42वां निम्नलिखित में से कौन, अब देखिए भारत की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी महिला क्रिकेटर 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी? अभी भारत की बात हो रही थी जब आपने टिक किया था, अब एशियाई पहली, अगर एशियाई की हम लोग बात करें तो पहली एशियाई जो महिला क्रिकेटर वो कौन है बताइए? वो पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर है, कंफ्यूज मत होइएगा, सना मीर एशियाई है। 33 देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर की जाएगी? रेवाड़ी में। सही उत्तर क्या है आपका? रेवाड़ी। ध्यान रखिएगा देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना कहां पे? रेवाड़ी में, हरियाणा के। तो किस राज्य में? हरियाणा में, और कहां पे? रेवाड़ी में। अमेरिका और रूस ने हाल ही में किस परमाणु संधि से स्वयं को अलग करके संधि को स्थगित करने की घोषणा की है? INF। संधि का नाम क्या है? INF, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज इसका पूरा नाम है और इससे जो है स्थगित करने की घोषणा की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम कल पारित हो गया, है ना। हाँ, और जबरदस्त बहस आज भी चल रही है इसमें राज्यसभा में। विधेयक 2019 के विरोध में निम्न में से किस मणिपुरी फिल्मकार ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है, है ना बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, अविरम श्याम शर्मा, अविरम श्याम शर्मा ने अपना पुरस्कार लौटाया था, मणिपुर के हैं। अगर आपसे व्यक्ति विशेष में पूछा जाए कि अविरम श्याम शर्मा क्यों चर्चा में रहे, तो पुरस्कार लौटाने के लिए। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बताइए? 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? एक बार इस प्रश्न को हल करा चुका हूं, 63वें स्थान पर भारत रहा है, 63 आपका सही उत्तर है, 63। आइए,
भारत में हाल ही में संपन्न पशुओं की जनगणना में वर्ष 2012 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? देखिए तो ये देखिए 4.63% की वृद्धि दर्ज की गई 2012 में। इससे पहले जनगणना की गई थी, पशु जनगणना की गई थी, और इस समय अगर हम लोगों ने 2019 में जो जनगणना की है तो इन 7 वर्षों में जो वृद्धि है वो वृद्धि आपकी 4.63% वृद्धि है आपकी। क्लियर है? 49वां विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है बताएं? गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस आपका मनाया जाता है। 50वां प्रश्न, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? देखिए पटना में बिहार का पहला जो है महिला डाकघर खोला गया है, जिसमें पोस्टमैन से लेकर सफाई कर्मी तक जितने कर्मचारी हैं केवल महिला है ना। ये पहला ऐसा जो है डाकखाना है इसका, जो है बिहार का पहला जो है महिला ऐसा डाकघर खोला गया है पटना में। क्लियर? चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग के परिसर में स्थापित है महिला डाकघर देश का दूसरा और बिहार का पहला महिला डाकघर है। डाक केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु सभी डाक मंडलों में एक एक महिला डाकघर खोलने का निर्णय लिया है। क्लियर? और भविष्य में भी इसमें केवल महिलाएं ही काम करेंगी। तो ये आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। कल आपकी रटलो श्रृंखला नहीं होगी है ना, कल का रटलो श्रृंखला में गैप रहेगा। यूपी स्पेशल पर काम करने के लिए मुझे एक दिन समय चाहिए, तो कल आपकी रटलो श्रृंखला ना होकर परसों फिर से मैं रटलो श्रृंखला को कंटिन्यू करूंगा, तो कल आप लोग इस श्रृंखला का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरी तरफ से इतना ही। आप कल तक इन तीनों श्रृंखलाओं को अच्छे से रिकॉल करिए और मैं जबरदस्त 2 श्रृंखलाओं को यूपी स्पेशल की और कुछ और करंट लेते हुए आपके समक्ष रखता हूं, ताकि कुछ जो है गुणवत्तापूर्ण प्रश्न आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।